क्या होगा अगर आपके शहर में गर्मी का तापमान 100 डिग्री तक पहुंच जाए। स्वागत है आपका हमारे बकचोदी वाला ज्ञान एपिसोड 20 में एंड आई एम मीत फ्रॉम टेकमिट डीसी। तो टाइम की बकचोदी ना पेलते हुए शुरू करते हैं। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया मौसम साले भोसड़ी वाले सूरत चाचे का। इस साल तो गर्मी ने पिछले 50-60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लगभग 50 डिग्री के पास चला गया, जिससे बेतहाशा गर्मी पड़ी और लोगों के कान के बाल जला दिए। पर जरा सोचिए, अगर 47 डिग्री पे ये हाल है तो क्या होगा अगर आपके शहर में गर्मी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए। जिस दिन तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, उसी दिन से हमारे धरती पे मौजूद सारे ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघलने लगेंगे और विद इन अ वीक हमारे समुद्र का जल स्तर इतना भयंकर रफ्तार से बढ़ेगा कि पानी के आसपास के शहर यानी जितने भी कोस्टल सिटीज है वो डूब जाएंगे और धरती की लगभग 90% आबादी जलमग्न हो जाएगी। और जो बाकी के 10% लोग बच जाएंगे, उन लोगों को 100 डिग्री पर चलने वाली गर्म हवाएं यानी लू मार डालेगी। फिर धीरे धीरे धरती का सारा पानी जलवाष्प बनकर उड़ जाएगा और बाकी बचे हुए पहलवान सूखे डिहाइड्रेशन से मारे जाएंगे। जो लोग ग्लोबल वार्मिंग को नकारते हैं, उन लोगों से बड़ा चूतिया मैंने नहीं देखा। अंटार्कटिक लगातार पिघल रहा है और अगर अभी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अंटार्कटिक में हजारों लाखों साल से इकट्ठा हुई मीथेन गैस जमा है और जब अंटार्कटिक पिघलेगा तो मीथेन भी बाहर निकलेगा, जिसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। तो कितने लोग ये मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको और अपने दोस्तों में शेयर करो। और हाँ, जो भी मुझे पहली बार सुन रहा है तो वो जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे चप्पल से मारो या जूते से, बस क्लिक कर दो और बगल वाली घंटी तोड़ के अपनी जेबा में डाल दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल पे बहुत माल पड़ा है, जाओ जाके मजे करो।